दोस्तों टाइगर 3 को लेकर अक्षय कुमार का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। टाइगर का टीजर देखकर ही पूरे बॉलीवुड के होश उड़ गए। टाइगर 3 पठान के बाद दूसरी सबसे बड़ी वायारे फिल्म है, वही इस फिल्म में कैट भी खतरनाक रोल में नजर आएगी। ऐसे में अक्षय कुमार टाइगर 3 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि ये फिल्म एक्शन जाबाप है और सलमान के करियर की बेस्ट फिल्म होने वाली है और इसके एक्शन भी हॉलीवुड लेवल के हैं। वही दोस्तों टाइगर फिल्म ने ही स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत की थी, जिसके बाद पठान ने असली धमाका किया। लेकिन अब टाइगर फिर से वापस आ रहा है। टाइगर का ऐसा खतरनाक एक्शन देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह का एक्शन देखने को मिला ये तो सबके होश उड़ गए हैं। दोस्तों फिल्म में दिखाया जाएगा कि टाइगर को गद्दार क्यों बनाया गया और टाइगर अपनी देशभक्ति के लिए क्या करेगा, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखना। टाइगर जब शिकार करेगा तो पुराने दिन याद आ जाएंगे, जब हर कोई सलमान की फिल्म देखकर एंजॉय करते थे। कहा जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी है। अगर आप टाइगर 3 में एक्शन निर्देशकों की लाइनअप को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक मनीष शर्मा इस फिल्म से क्या चाहते हैं। वे दर्शकों को एक धमाकेदार एक्शन एंटरटेनर देना चाहते हैं, क्योंकि हॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ नाम अब इस फिल्म का हिस्सा हैं। मार्क सिजाक, जो पहले क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम कर चुके हैं, वो भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस फिल्म का स्केल काफी बड़ा होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि टाइगर फ्रेंचाइज का तीसरा भाग टाइगर 3 मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म इस दिवाली के आसपास हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। वही दोस्तों इस एक्शन फिल्म में इमरान हाशमी विलेन की भूमिका में हैं और कैटरीना भी इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आने वाली हैं। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना क्या टाइगर जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी।